कब लेंगे कल की भगवान जन्म, कौन से पुराण में है इसका जिक्र, जानिए इस अवतार से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान कल्कि विष्णु जी के अंतिम अवतार होंगे। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इनका जन्म कलयुग में होगा। हिंदू शास्त्रों की माने तो जब पाप अपने पराकाष्ठा पर होगा तो भगवान विष्णु कल्कि रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कल्कि के जन्म और जन्म स्थान के संबंध में किस पुराण में लिखा गया है, और विष्णु जी के इस अंतिम अवतार से जुड़ी कुछ अन्य खास बातों के बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, विष्णु जी के कल्कि अवतार का जिक्र कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए कल्कि भगवान जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी तरह का जिक्र कल्कि जी के संबंध में है, यानी श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भी कल्कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर जन्म लेंगे। स्कंद पुराण में वर्णित है कि कलयुग और सतयुग का जब संधिकाल होगा तो भगवान कल्कि का पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए जन्म होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि भगवान अवतार लेंगे। कलयुग का अंत होने में अभी काफी समय बाकी है, यानी कि आपको बता दें कि कलयुग के अंत में 42,06,875 साल बाकी हैं। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के 5,126 साल ही हुए हैं। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। इनके जन्म स्थान के संबंध में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि भगवान एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। इनका जन्म सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। कल्कि जी के पास देवदत्त नाम का एक घोड़ा होगा, इसी पर बैठकर कल्कि दुष्टों का नाश करेंगे। इनके हाथों में तीर कमान होंगे और साथ में तलवार भी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। भगवान राम की ही तरह कल्कि जी के भी 4 भाई होंगे, जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु वैष्णो देवी के साथ विवाह करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम से विवाह करने के लिए देवी युगों से तपस्या में लीन है। इनकी तपस्या को भी कल्कि भगवान ही पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मार्गदर्शन देने वाले परशुराम जी होंगे। आपको बता दें कि परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। परशुराम जी के कहने पर ही कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। कहा गया है कि शिव जी को प्रसन्न करने के बाद कल्कि भगवान को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनके पल पर वो अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।